हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑडिजी स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। उसका फ़ायदा ही होगा, जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने पार्ट 3 वीडियो तक अपलोड कर चुके हैं, आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता है तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो चलिए आज पार्ट 4 वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है। लास्ट तक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और नोट बनाते रहिए, क्योंकि नोट बनाने से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 71, पीनियल ग्लैंड इज सिचुएटेड इन वेयर? राइट आंसर इज ब्रेन। दोस्तों, ब्रेन में पिनियन गैंड होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम वेयर? राइट आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड। दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन्स निकलते हैं, जो हम लोगों का ग्रोथ को मेंटेन करता है, ठीक है। अगर ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा निकलेगा तो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जाइगेंटिज्म डिजीज हो जाएगा, ठीक है। अगर कम निकलेगा तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, ठीक है, बामून बोलते हैं ना, बामून हो जाएगा, ड्वार्फिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेल फंक्शन ऑफ विच ऑर्गन कॉजेस डायबिटीज? राइट आंसर इज पैनक्रियास, अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। दोस्तों, अगर इसका फंक्शन अगर डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तो हम लोग का डायबिटीज स्टार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड हॉर्मोन्स? ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से हमेशा हॉर्मोन निकलते हैं, ठीक है। चलिए, और पैनक्रियास को बोलते हैं, ठीक है, पैनक्रियास को बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, क्योंकि इससे हॉर्मोन्स भी निकलते और एंजाइम्स भी निकलते। ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज फाउंड इन चेस्ट कैविटी? राइट आंसर इज थाइमस ग्लैंड। ये जो थाइमस, छोटा वाला जो थाइमस ग्लैंड होता है ना, चेस्ट में रहता है, जब एज बढ़ता है वो थाइमस ग्लैंड ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हार्ड एनामेल लेयर ऑफ टीथ इज नोन एज? राइट आंसर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइल एपेटाइट। ठीक है दोस्तों, हम लोगों का जो टीथ होते हैं ना, दांत होते हैं ना, दांत के सबसे हार्डेस्ट लेयर होते हैं एनामेल, ठीक है, उसको कहते हैं, उसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइल एपेटाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, व्हिच हार्मोन इज इंजेक्टेड इनटू काउ एंड बफेलो ड्यूरिंग मिल्किंग? ठीक है, किस हार्मोन को इंजेक्ट करता है? राइट आंसर इज ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रयोग करते हैं काउ एंड बफेलो के बॉडी में, जब जब मिल्की जरूरत ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, इसमें थोड़ा गलती है, ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं, रुकिए। जेस्टेशन पीरियड इन मैन नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा वेमेन, ठीक है, ये हो जाएगा वेमेन। मैन कैसे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जेस्टेशन पीरियड इन वेमेन इज अबाउट 9 मंथ्स। दोस्तों, 9 मंथ्स के बाद ही ना बच्चा होता है, ठीक है, बच्चा पैदा होता है, ठीक है। तो जेस्टेशन पीरियड इन वेमेन इज अबाउट
9 months. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. थायराइड ग्लैंड इज एक्टिवेटेड बाय व्हिच हार्मोन फॉर द सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन. ठीक है तो क्या होगा, व्हिच हार्मोन के द्वारा ये एक्टिवेट होता है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है दोस्तों, हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना आप लोगों को वो सबसे इम्पोर्टेंट है. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते. व्हाट इज द टेक्निक एमोसेंटेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ फोटस. दोस्तों क्या होता है ना, जब बच्चा उम्र में रहता है कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, इसका माने सेक्स डिटरमाइन करता है, क्या ये बच्चा लड़की है या लड़का है. ठीक है वो उस टेक्निक को बोलते हैं एमोसेंटेसिस. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन फीमेल अ स्मॉल पोर्शन ओविडक्ट इज रिमूव्ड एंड कट एंड इज लिगेटेड बाई सर्जिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, राइट आंसर इज ट्यूबोकोटोमी. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आर्टिफिशियल किडनी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, राइट आंसर इज डायलिसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हिच इज नोन एज एनिमल स्टार्च, राइट आंसर इज ग्लाइकोजन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड कॉर्पसल इज, राइट आंसर इज मोनोसाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हाइपोथर्मिया ऑकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ एक्सेसिव हीट फ्रॉम बॉडी ड्यू टू सडन लो बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमन बींग्स. जब बॉडी में सडनली टेम्परेचर लो हो जाता है तो उसको कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोथर्मिया. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यूरिया इज फॉर्म्ड इन लिवर सेल फ्रॉम, कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, फ्रॉम एमोनिया एंड CO2. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते. इन द ह्यूमन बॉडी Which of following organs is responsible for water balance? Right answer is हो जाएगा किडनी. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which one of the following substances is normally found in urine? चारों ऑप्शन दिया हुआ है, क्रिएटिन, RBC, WBC, ब्लड प्रोटीन्स. तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिएटिन. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी इज व्हाट, राइट आंसर इज एओर्टा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कॉम्पेनियन सेल्स आर यूनिक टू, राइट आंसर इज एंजियोस्पर्म्स. ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन टेक्स प्लेस इनसाइड, राइट आंसर इज ओविडक्ट. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हिच विटामिन्स आर दोज इफ टेकन इन एक्सेस कैन बी डेंजरस एज दे आर स्टोर इन द बॉडी, राइट आंसर इज विटामिन ए एंड विटामिन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ग्लोमेरुलस एंड बाउमेंट्स कैप्सूल कंस्टिट्यूट, इसको दोनों को एक साथ कहते मेल्पिजियन ट्यूबल. ठीक है दोस्तों ये नेफ्रन का एक हिस्सा है. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज व्हाट, राइट आंसर इज नेफ्रन. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. लैक्रिमल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन व्हिच ऑर्गन, राइट आंसर इज आई ऑर्बिट. दोस्तों इस लैक्रिमल ग्लैंड से ना आंसू निकलती है. ठीक है
वाई स्वेटिंग इज इम्पॉर्टेंट। स्वेटिंग किस लिए इम्पॉर्टेंट है ये सबको पता है। राइट आंसर इज टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इनहेल्ड एयर इज व्हाट? कितना परसेंट होता है दोस्तों? 16%। दोस्तों हम लोग जब इनहेल करते हैं ना, निश्वास लेते हैं, तो उस टाइम क्या होता है ना, पूरा 100% ऑक्सीजन नहीं आता है। ठीक है, तो वायुमंडल में सारे के सारे गैसेस कंपोनेंट्स है, उसका प्रोपोर्शन भी है। ठीक है, हम लोग जब इंटेक करते हैं तो 16% ऑक्सीजन आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म्ड, राइट आंसर इज 38। 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड होता है दोस्तों कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वोकल कॉर्ड्स ऑफ वेमेन आर डैश देन वोकल कॉर्ड्स इन मैन, 5 mm शॉर्टर। ठीक है, तो वोमेन लोग का जो वोकल कॉर्ड होते हैं ना, वो 5 mm शॉर्टर होते मैन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट फ्रॉम मिल्क द सिस्टम इज फाउंड टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। ठीक है दोस्तों, मैंने 30 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर किया। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छी लगी तो ज़रूर एक तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स लोग के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है दोस्तों।